हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिक्के श्री एकेडमी। आज की क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम को देखेंगे, जो कि क्लास 9th एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो देखिए, जो रियल नंबर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। सबसे पहले हम लोग रियल नंबर के बारे में देखते हैं। तो रियल नंबर जो होता है वो टू टाइप्स का होता है। तो एक होता है रेशनल, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और एक होता है दूसरा इरेशनल। ठीक है, तो रेशनल नंबर में पहले हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर फोर टाइप्स का होता है। तो रेशनल नंबर में हम लोग पहले देखेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, इसमें नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे होल नंबर, फिर तीसरा हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में इंटीजर्स, इंटीजर्स। ठीक है, और आगे फिर हम लोग देखेंगे कि रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इस चैप्टर को अब हम लोग ध्यान से देखते हैं। जैसा कि इस चैप्टर में दिखाया गया है कि एक बच्ची एक लाइन बना हुआ है, इस पे वॉक कर रही है। तो इसमें दिखाया गया है, जैसा कि लाइन बना हुआ है, इस पे वॉक कर रही है। तो ये जो नंबर है, नेचुरल नंबर का मतलब क्या होता है? जिसको नेचुरली हम लोग बोलते हैं 1 2 3 4, तो उसको क्या हम लोग बोलते हैं? नेचुरल नंबर। सिर्फ फॉर एग्जांपल कि आपको कोई कोई से क्यू बना हुआ है, बच्चों का लाइन बना हुआ है स्कूल में प्रेयर के लिए, तो उसको हम लोग काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं? 1 2 3 काउंटिंग से शुरू करते हैं, उसमें जीरो होता नहीं है। ठीक है, या कोई सामान हम कोई काउंट करते हैं घर में, बैग में पैक कर रहे हैं, तो उसको भी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 1 से स्टार्ट होती है। तो ये क्या है? नेचुरल नंबर, जिसको नेचुरली हम लोग यूज करते हैं उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। अब ये स्टार्ट होता है 1 2 3 4। ठीक है, तो जैसा कि यहां पे ये नेचुरल नंबर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग होल नंबर की। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर का मतलब क्या होता है? इसको W से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर को। और होल नंबर जिसमें नेचुरल नंबर में जब जीरो को ऐड कर दिया जाता है तो उसको होल नंबर बोलते हैं। जैसा कि इस बैग में दिखाया गया कि एक बच्ची ने कलेक्शन है नंबर्स का, जिसमें जीरो को भी ऐड कर रही है, तो वो बन जा रहा है आपका होल नंबर। ठीक है, तो कंफ्यूजन आपका क्लियर होगा। जब नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हो जाता है होल नंबर। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इंटीजर्स की। तो ये जो इंटीजर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक नेगेटिव इंटीजर्स होता है, एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो जब ये जो नंबर सिस्टम है, ये जीरो से लेके स्टार्ट हुआ इधर, ठीक है, और जब इसके नेगेटिव हम जीरो में जाते हैं कि -1 -2 -3, तो पूरा टोटल जो नंबर सिस्टम है ये बन के जो नंबर सिस्टम बनता है इसको बोलते हैं इंटीजर। इंटीजर में नेगेटिव नंबर भी आते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है, और 1/4 1/2 जो भी है सारे नंबर इंटीजर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको जो बोलते हैं निगेटिव जो नंबर्स हैं लाइन में उसको निगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, और जो पॉजिटिव है उनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, इन इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। तो जेड क्यों बोलते हैं? इसका देखिए लिखा हुआ कि जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जेहलेन। जेहलेन जो है वर्ड से जो जेड नंबर निकला हुआ है, इसका मींस होता है टू काउंट, मतलब गिनना, काउंटिंग करना, जेहलेन वर्ड से आता है, और जेहलेन वर्ड जर्मन वर्ड से आता है, और इसको जो डिनोट करते हैं रिकॉल इंटीजर्स को बाई जेड। जैसे नेचुरल नंबर को एन से, होल नंबर को W से, और इंटीजर को जेड से, और ये जो जेड वर्ड आता है जर्मन वर्ड जेहलेन से, इसका मतलब है टू काउंट। मैं
ये सारी जो चीजें हैं एनसीईआरटी के क्यों मैं पढ़ा रही हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि एनसीईआरटी की बुक को पूरा प्रेफर किया जाए, ताकि आप लोगों को जब बुक से पढ़ें तो बहुत अच्छे से समझ आए कि बुक की भाषा क्या है, उसको समझना बहुत जरूरी है। अब हम लोग बात करते हैं अब जब हमने लाइन देखा, तो इस लाइन में हमारा ये भी बना है 1/2 1/4, ठीक है। तो अब इसकी बात हम लोग करते हैं, जैसे कि देखा कि देयर आर नंबर्स लाइक 1/2 3/4 या इवन माइनस दिस दिस, इफ यू यू पुट ऑल सच नंबर्स इनटू दिस बैग इट विल नाउ बी द कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर। जब सारी इन नंबरों को, जो कि रेशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकें, और वेयर क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो दिस इज द रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं इसको? रेशनल नंबर। और इसको हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है 1/2 2/4। यहाँ पे क्या है, जो डिनोमिनेटर है 2 है, वो 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए 2 4 ये सब क्या है, सो ऑन, जो भी है रेशनल नंबर है, ठीक है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। इसमें इसमें दिया हुआ है कि कुछ स्टेटमेंट है जिसको सिंपल है, बट इनका नॉलेज डीप होना बहुत जरूरी होता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो देखिए होल नंबर में क्या आ जाता है, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो एवरी होल नंबर, होल नंबर में क्या आ गया, 0 आ गया, और 0 से लेके नेचुरल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। तो ये गलत है। गलत क्यों है कि देखिए जब हम नेचुरल नंबर होता है 1 2 3 ये है, और होल नंबर में हमें जब 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर जो हो जाए, तो सारे जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर में 0 ऐड नहीं होता है, तो ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। अब एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, तो इंटीजर में जो होता है जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, अगर कोई है, अगर कुछ नहीं लिखा हो, पी लिखा हुआ, तो सिंपल पी बाई 1 हम करके उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो ये क्या होता है कि आप कोई भी निगेटिव नंबर भी हो उसको भी आप उसको डिनोमिनेटर 1 पे एज्यूम कर सकते हैं। 0 है और माइनस है, -2 है, तो सबको आप 1 डिनोमिनेटर 1 से काउंट कर सकते हो। तो ये बात तो सच है कि ट्रू, बिकॉज जो जो भी है नंबर है, निगेटिव नंबर है पॉजिटिव नंबर, उनके डिनोमिनेटर में अगर हम 1 लगा देते हैं तो वो रेशनल नंबर के रूप में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये ट्रू है कि एवरी इंटीजर इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो इसका आंसर आप लोग देखिए कि ये जो क्वेश्चन है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर, तो ये चीज फॉल्स होता है, क्योंकि हर जो रेशनल नंबर है, जिसको रेशनल नंबर को जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो इंटीजर ही हो, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि जो इंटीजर होता है वो माइनस से शुरू होकर 0 को इंक्लूड करते हुए पॉजिटिव में भी चला जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा वो उसको इंटीजर को भी रेशनल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 3/5 जो है वो खुद रेशनल नंबर तो है बट इंटीजर नहीं है, तो ये चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि रेशनल नंबर निकालते कैसे। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, तो रेशनल नंबर क्या होता है, इसको निकालते कैसे। जैसे 1 है और एक 2 है, इसके बीच में अगर हमें रेशनल नंबर निकालना है तो उसका वो होता है a+b/2। तो a क्या था, 1 + b 2/2, तो ये क्या है, 3/2। ये तो एक पहला रेशनल नंबर 1 एंड 2 के बीच में, ठीक। अब ये तो हमारा निकल गया, जैसे 1 3/2 और इधर 2। अब हमें 1 और 3/2 के बीच रेशनल नंबर निकालना है, तो उसको 1+3/2/2, 1 है,
और टू है, इसके बीच में है रेशनल नंबर, हमें निकालना है। तो 1 + 2/2 इक्वल टू 3/2। तो अब 3/2 इनके बीच में हो गया एक रेशनल। अब एक दूसरा रेशनल नंबर हम इसके बीच में निकाल सकते हैं, 1 + 3/2/2 इक्वल टू 5/2 इंटू 2 इक्वल टू 5/4। ठीक है, अब हमें निकालना है। अब ये तो हमें 1 + 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर मिल गया, क्या हमें 5/4। ठीक है, तो ये भी तो एक 1 और 2 के बीच में ही आ रहा है, जो हमें, देखिए 1 और 2 के बीच में पहला रेशनल नंबर 3/2 था। अब ये इस 1 और 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर 5/4, और ये 5/4 है, ये भी 1 और 2 के बीच में ही आता है। ठीक है, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। अब हम दूसरा रेशनल नंबर निकालेंगे 3/2 और 2 के बीच में। 3/2 + 2/2 इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो ये दूसरा एक 7/4 निकल गया रेशनल नंबर। तो 5 रेशनल नंबर, देखिए 1, ये 1 निकल गया, 3/2 निकल गया। पहला तो 5/4 है, 3/2 है, 7/4 है। अब मान लीजिए हमें ये 3 निकल गया, अब हमें दूसरा रेशनल नंबर निकालना है। तो एक 1/4 और 5/4 के बीच में भी निकल सकता है। तो ठीक है, तो 1 + 5/4, 1 + 5/4/2 इक्वल टू 9/8। ठीक है, तो ये देखिए अब हम लोगों ने क्या इनके बीच बीच में निकाल रहे हैं, फिर एक ये 5/4 + इनके बीच में निकाल लिया। ठीक है, तो ये जो आया हमारा रेशनल नंबर 9/8, इन दोनों के बीच में क्या आया, 9/8। अब हम दूसरा रेशनल नंबर जो निकाल सकते हैं, देखिए इन दोनों के बीच में था 7/4 और 2, तो 3/2 और 2 के बीच में था 7/4। अब 7/4 भी एक रेशनल नंबर, तो इसके 7/4 और 2 के बीच में एक निकाल सकते हैं, 7/4/2, 7/4 + 2/2 इक्वल टू 15/8। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर कोई मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो इस तरह 5 रेशनल नंबर हम लोगों ने निकाल दिया। पहले दो के एक ए 1 और 2 के बीच में निकाला, जो कि 3/2 था। फिर 1 और 3/2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाला। फिर उसके बाद हमने 3/2 और 2 के बीच में एक रेशनल नंबर निकाला। फिर इन दो जो नए नंबर निकले, इनका फिर जो 1 और 9 नंबर के बीच में निकालते, फिर दूसरा दूसरा जो न्यू निकला है उसके साथ, ऐसे करके हम 5 रेशनल नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गया रेशनल नंबर निकालने का तरीका। ठीक है, अब ये रेशनल नंबर के बारे में तो हमने डिस्कस कर लिया। अब हम रेशनल लोग नंबर की जो खोज, अब हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर की। तो इरेशनल नंबर की जो खोज की गई थी वो पाइथागोरस ने की थी, जो कि ये ग्रीस के निवासी थे, और अराउंड 400 BC के अराउंड उन्होंने इसको इसकी खोज की थी। बाद में उन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया और पाया कि जो ये √2 है वो इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं ये भी समझ लेते हैं। तो इरेशनल नंबर इज कॉल्ड, नंबर इज कॉल्ड इरेशनल इफ इट कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी, अगर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर q नॉट इक्वल टू 0। तो जैसा कि हमने पीछे पढ़ा वो रेशनल नंबर है, लेकिन अगर कोई कोई नंबर है जिसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको हम इरेशनल नंबर बोलते हैं।
ठीक है, तो ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, दिस इज इम्पोर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल, अंडर रूट टू, अंडर रूट थ्री, अंडर रूट 15 एंड पाई इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। पाई को हम लोग देखिए यूज करते हैं मोस्टली 22/7 की तरह से कैलकुलेशन में यूज करते हैं, बट पाई का जो वैल्यू होता है 3.14 सो ऑन कुछ होता है, लेकिन ये खुद भी अपने आप में इरेशनल नंबर होता है। तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर एक खास चीज होती है कि रेशनल नंबर जो होता है वो फाइनली टर्मिनेट हो जाता है। जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर लें कि इसे 1/2 है इक्वल टू क्या होता है 0.5, तो ये क्या है, खत्म हो जा रहा है, ठीक है। और अगर हम लोग 1/3 इक्वल टू क्या होगा 0.3333, तो क्या है यहाँ पे 3 बार बार रिपीट हो रहा है सेम डिजिट। तो इरेशनल नंबर में ये चीज इंपॉर्टेंट है, या तो वो टर्मिनेट हो जाए, जैसे 0.5 है, 0.5 के आगे 0 हो, अब टर्मिनेट हो गया वो नंबर, या 1/3 तो 0.333 एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के बाद या एक ही नंबर के बाद, जैसे यहाँ पे है, ठीक है। तो ये इरेशनल नंबर था, लेकिन इरेशनल नंबर के साथ जस्ट अपोजिट होता है, वो टर्मिनेट भी नहीं होता है और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद रिपीट भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये बहुत कॉमन डिफरेंस है जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो सारी चीजें ऑलमोस्ट हमने चैप्टर में कवर कर दिया है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसमें इस चीजों को एक बार हम फिर से हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। जो रियल नंबर होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कॉम्बिनेशन होता है। रेशनल नंबर जो है सबसे पहले इसमें हम लोग देखे हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है जो नेचुरली हम यूज कर सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 से स्टार्टिंग होती है तो नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर में हम 0 ऐड कर देते हैं तो वो होल नंबर हो जाता है, ठीक है। उसी तरह से अब जब होल नंबर हो गया तो उसके जब निगेटिव में जाते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, फिर इधर हम -1 में गए, फिर -2 गए, तो ये आपका इंटीजर्स बन जाता है, ठीक है। और रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाए और q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 ये क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि क्यू 0 भी नहीं है और p/q के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।